नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज साथियों अपन बात करेंगे, आप लोगों ने कुछ कमेंट किए थे तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नई इंक्वायरी आपको रोज मिलती रहे। तरुण सेठ बोलते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें 10th पास करने के बाद स्टडी करने के लिए जा सकते हैं? भाई बहुत सारी कंट्रियां हैं, ये मान के लीजिए सबकी सब कंट्रियां हैं जहाँ पे आप 10th पास करने के बाद आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पढ़ने के लिए तो सब कंट्रियां ओपन है ना, कोई कंट्री जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के लिए भी ओपन है, आप में हिम्मत होनी चाहिए विदेश जाके पढ़ने में, खर्चा लगेगा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो कोई भी कंट्री आप जा सकते हैं। नरेश कुमार जी बोलते हैं, अशोक जी इंडिया में इमिग्रेशन के कितने रुपए लगते हैं प्लीज बताइए। भाई देखिए, हर कंट्री का इमिग्रेशन रूल अलग है, ठीक है, हर कंट्री का इमिग्रेशन का चार्ज अलग लगता है। गलत की बात करें तो इमिग्रेशन मेरे हिसाब से ये मान लीजिए 15,000, जैसे मलेशिया की बात करते हैं 12-13-15 में, क्यों एजेंटों का भी इसमें कमीशन होता है, 12-13-15 हज़ार में हो जाता है। कुवैत का 20,000 रुपये लग जाते हैं। हर कंट्री का इमिग्रेशन अलग, कई कंट्रियों के 6-7 हज़ार में हो जाते हैं, अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग होते हैं। इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए डालूंगा कि कौन सी कंट्री का इमिग्रेशन का कितना चार्ज लगता है। आगे एक भाई हैं विशाल कुमार जी, सर आपके पास चंडीगढ़ या हरियाणा के एजेंट नहीं है क्या? राजस्थान बहुत दूर पड़ता है। भाई देखिए, मेरे पास एजेंट कोई नहीं है, नहीं तो मेरे पास राजस्थान में एजेंट है, नहीं मेरे पास बाहर है, और कोई नहीं है बहुत है। किसके ऊपर फेथ करें, किसका वीडियो डालें, क्या करना चाहिए? मैं तो एक बंदे का वीडियो डालता हूँ, उसमें भी इतने सारे लोग कमेंट कर देते हैं ये फलाना ढिमका, तो मैं तो भाई इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, समझ गए बात को। मेरे पास मेल बहुत आती है, व्हाट्सअप बहुत आती है, सर हमारे पास ये जॉब आया हुआ है आप वैकेंसी डाल दो, आप ऐड डाल दो। किसका डालें भाई, पहले तो उधर ऐड डालें उनका, ठीक है, फिर आप उनके वहां जाओ, फिर आप मुझसे क्वेश्चन करो, सर उसने ये बोला, सर उसने ये बोला, हमारा वीजा नहीं टिकट नहीं, तो भाई मैं इस लफड़े में क्यों पढ़ूं। तो भाई एजेंट मैं सजेशन नहीं कर सकता, एजेंटों की कमी नहीं है, आप अपने स्तर पर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। सावरमल बोलते हैं, सर जी गंगानगर बहुत दूर पड़ जाता, आप जयपुर ऑफिस डालोगे तो बेहतर रहेगा। भाई गंगानगर में भी कौन सी मेरी ऑफिस है, समझ गए, और जयपुर में भी भाई मैं तो इंटरेस्टेड हूं नहीं ऑफिस डालने में। ऑफिस डालेंगे तो कौन सी, सिर्फ इमिग्रेशन हेल्प से रिलेटेड अपन काम कर सकते हैं, जो फोन पे करते हैं वो आप मेरे से फेस टू फेस भी करवा लेना, बाकी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इन चीजों में कि एजेंटीबाजी के चक्कर में। आप पहले, अभी तो उन लोगों को गालियां पड़ती हैं फिर मुझे पड़ेगी, तो मैं इन चक्कर में नहीं जाने वाला। अब एक मैंने वीडियो डाला था आज से एक डेढ़ साल पहले, फ्री कनाडा कैसे जाएं, फ्री जॉब फ्री वीजा, ये मैंने इसलिए डाला था कि अभी पीछे एक वीडियो डाला लोगों के पास फ्री वीजा 30-35 हज़ार में कनाडा भेजना, ऐसे वैसे जॉब आते रहते हैं, तो मैंने सजेशन दिया था कि ऐसा कोई आए तो भाई ध्यान रखना। तो कपिल जी शर्मा है, ये कपिल शर्मा तो नाम रख लिया कि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इनकी सोच बड़ी छोटी सी है। अरे भाई इतनी झूठी वीडियो मत बनाओ, अब इस पागल इंसान को कौन समझाए कि मैंने सिर्फ ये वीडियो सजेशन के लिए डाला था कि आपके पास फ्री कनाडा जाएं, फ्री वीजा टिकट वगैरह ऐसा कोई ऑफर आए लालच का, तो आप इस चीज को इग्नोर करें, ध्यान रखें। मैंने ये वीडियो इसलिए डाला, इस मूर्ख इंसान ये बोलता है कि तू इतना झूठा वीडियो क्यों बना रहा है, कहां मिलता है फ्री में काम, मैंने जैसे वीडियो में बोला ही है कि फ्री में मिलता है। अरे भाई थोड़ा सोच समझ के तो कमेंट किया करो, अगर औकात नहीं है या दिमाग नहीं है तो जरूरी है कमेंट करना। फिर सीपी जी बोलते हैं, सर जापान में क्या हम 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं मंथली? आजकल यूट्यूब पे कुछ एजेंट जापान का वीजा लगवा रहे हैं होटल लाइन में और सैलरी 1,00,000 बता रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? भाई देखिए, एजेंटों के बारे में तो मैंने अभी स्टार्ट किया नहीं है चैनल पे बनाना वीडियो, जिस दिन स्टार्ट कर देंगे तब उनका भी लाइन में ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, जो गलत है तो गलत है। बाकी जितना यूट्यूब पे वीडियो दिखाए जाते हैं ना या कहीं पर भी दिखाए जाते हैं उतना आसान नहीं है, समझ गए बात को। जहां मैं रहता हूं मेरे से 100 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, वहां एक एजेंट है, ठीक है, वो खुद जापान रहता है, उसका जेन्युइन काम है, विजिट में लेके जाता है, 9,00,000 रुपए लेता है, और यहाँ के मेरे आसपास के कम से कम 100-150 बंदे उसके थ्रू जापान जा चुके हैं, 9,00,000 रुपए लेता है वो। अब आप देख लो कितना सच है कितना झूठ है, समझ गए बात को। एसएस बोलते हैं, भाई कोई ऐसा वीजा बताएं जो सैलरी से पैसा काटते हो। भाई बहुत हैं एजेंट, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ऑफिसे भरे पड़ी हैं, वहां पैसा लगेगा ही नहीं आपका, फ्री में पहुंच जाओगे, ठीक है, सिर्फ मेडिकल के दे दो 10-15 हज़ार रुपए और फीस दे दो, हम ऑफिस रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दो 2-4 हज़ार रुपए, आप पहुंच जाओगे विदेश में, पैसा लगेगा नहीं, वो सैलरी से काटते हैं पैसा, वहां चले जाओ आप, समझ गए बात को।
दीपक पालवा बोलते हैं भाई कोई ऐसा कांटेक्ट करो जो कनाडा में वर्क परमिट दिलवा सके, वहां जॉब दिलवा सके एक नंबर में। भाई इसके नीचे एक शिवम यादव जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है भाई मैं अभी सर्च कर रहा हूं, 3 साल हो गए, आपको कोई मिले तो मुझे भी बताना। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, फिर किसी न किसी एजेंट के चक्कर में चढ़ते हैं, फिर उनके बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लायक तो हैं दुबई कतर के 20-25 हजार के जॉब में, अब चाहिए उनको कनेडा, तो फिर एजेंट उनके लायक उनको मिल जाते हैं। समझ गए। अरुण सिंह जी बोलते हैं सर मेरा एक क्वेश्चन था, जीटी जो ऑफिस है जलंधर में रशिया का वर्क परमिट दिला रहा है, क्या बता सकते हैं कि वो सही है गलत है? तो भाई नाम से तो माथे पे लिखा नहीं है कि वो सही है गलत है। समझ गए। अब आप व्हाट्सएप में करोगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिए, आपसे कोई बात हुई, वो मेरे से आप शेयर करोगे, तो उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा सर्चिंग करके कि झूठ क्या है सच क्या है, उसके लिए 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। समझ गए। बिट्टू उमा जी बोलते हैं हेलो सर यूएसए और कनाडा के बारे में बताओ जी। बोलिए जी क्या पूछना है। यूएसए कनाडा के बारे में बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी शानदार कंट्रियां हैं, और क्या बताना है। कुछ नहीं रखा भैया, मेरे तो बस की बाहर की बात है, बाकी एजेंट बहुत सारे हैं यूके कनाडा ही भर का ही है उनके पास जॉब, गलत का तो जॉब ही नहीं आता, वो तो थर्ड कैटेगरी है, वो उनके पास जॉब काम ही नहीं करते वो। समझ गए बात को। अनिल कुमार जी बोलते हैं सर एक एजेंट ने मुझे सिंगापुर का जॉब ऑफर लेटर किया, मेरा सीवी उसको सेंड किया, मैंने कुछ दिन में मेरा कंफर्मेशन लेटर मुझे मेल से प्राप्त हो गया, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्हें बोला आप जल्दी से मेडिकल करवा लीजिए, 6 हजार 8 हजार 10 हजार 12 हजार रुपये मेडिकल के दे दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन करवाएंगे, 5 हजार उसके दे दीजिए, 3 हजार हमारे रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए, फिर आपके पास वहां से कॉल आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका वीजा आ जाएगा, ये आगे का प्रोसेस होगा। ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो भैया व्हाट्सएप पे इंक्वायरी ले लीजिएगा। विशाल पाटिल बोलते हैं सर मोफा मिलने के बाद वीजा कितने दिन में लग जाता है? भाई जेन्युइन तरीके से देखें तो मोफा मिलने के बाद 1 महीने में वीजा, एक्चुअल में तो ये होता है कि आज मोफा मिला फ्राइडे को मिलता है गल्फ कंट्रियों में, तो अगले 7 दिन 10 दिन में वीजा प्रिंट होके आ जाता है ऑनलाइन वीजा, ठीक है, कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो 10-15 दिन 20 दिन में वीजा आ जाना चाहिए, कई बार भैया मोफा नंबर आने के बाद वीजा आता भी नहीं है, ये भी प्रोसेस होता है, तो ये थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखें। आप लोगों के कमेंट थे, मैंने आंसर देने की कोशिश की, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई जानकारी नई रोज मिलती रहे, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।